नमस्कार दर्शकों, जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वालियर की धरती ऋषियों, मुनियों, गुरुओं और पीर पैगंबरों की धरती रही है। धार्मिक आस्था से ओतप्रोत इस धरती पर अनेक महान आत्माओं का आगमन हुआ है। यहाँ उनके द्वारा अनेक जन भलाई के कार्य किए गए। ग्वालियर न्यूज आज आपके लिए ऐसे ही एक परोपकारी गुरु के जीवन से जुड़े विशेष आयोजन का कवरेज धारण करने जा रहा है। आयोजन से जुड़े सदस्यों ने हमें जो जानकारी दी है इस प्रकार है। स्थापित करने वाले गुरुओं की महानता के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस धर्म को स्थापित करने वाले गुरुओं द्वारा किए गए परोपकारी कार्यों के चलते ही ये विशेष सम्मान व आदर का प्रतीक है। इन गुरुओं ने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो आज एक आदर्श है। ग्वालियर से सिखों के छठवें गुरु श्री हरगोविंद सिंह साहब जी का विशेष नाता रहा है। गुरु जी द्वारा किए गए जन भलाई के कार्यों से घबराकर मुस्लिम शासक जहांगीर ने इन्हें अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते हुए गिरफ्तार करते हुए उन्हें ग्वालियर किले में नजरबंद कर दिया था। उन्हें यहाँ पहले से गिरफ्तार किए गए 52 हिंदू राजाओं के साथ नजरबंद कर रखा गया था। उन्हें जिस स्थान पर रखा गया था ठीक उसी स्थान पर वर्तमान में विशाल ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थित है। गुरुजी को बंदी बनाने के बाद जहांगीर गंभीर रूप से बीमार रहने लगा। इस बीमारी के चलते हुए उसे एहसास हुआ कि यह सब गुरुजी को बंदी बनाने के कारण हो रहा है। यह आवाज होते ही उसने तुरंत गुरुजी को रिहा करने का आदेश अपने सैनिकों को दे दिया, लेकिन गुरुजी ने रिहा होकर जाने से मना कर दिया और जहांगीर को संदेश भिजवाया कि अगर वह मुझे सच में रिहा करना चाहता है तो मेरे साथ अन्य 52 हिंदू राजाओं को भी रिहा करे, तभी वह यहाँ से जाएगा। संदेश पाकर जहांगीर ने गुरुजी से कहा कि हिंदू राजपूत राजा किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते, वे किसी का आधिपत्य नहीं स्वीकार करते हैं और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि वे आपकी सरपरस्ती को स्वीकार करते हुए बाहर जाने के लिए कतई राजी नहीं होंगे, इसलिए आप उन्हें अपने साथ बाहर कैसे ले जा पाएंगे। जहांगीर की इस बात पर गौर करते हुए गुरुजी ने 52 राजाओं को बाहर निकालने के लिए 52 कली का एक विशेष चोगा तैयार करवाया और सभी राजाओं से उसका एक एक कोना पकड़कर साथ आने के लिए कहा। इस प्रकार सभी राजपूत राजा भी गुरुजी के साथ साथ जहांगीर की कैद से मुक्त हो गए और उनका सम्मान भी बना रहा। इस उत्साहित राजाओं ने गुरुजी के सम्मान में दाता बंदी छोड़ जयका जय घोष करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस घटना को जहांगीर बेबस होकर देखता रहा। रिहाई के बाद गुरुजी जब अमृतसर पहुंचे, उस दिन दीपावली का दिन था। गुरुजी के पहुंचने पर उस दिन अमृतसर के लोगों ने गुरुजी का स्वागत आतिशबाजी जलाकर और दीप जलाकर किया। तभी से सिखों द्वारा भी दीपावली का पर्व विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने सर्वे अपनी गति से चलता रहा। वर्तमान में किले पर जहां विशाल गुरुद्वारा स्थापित है उसी स्थान पर गुरुजी को नजरबंद किया गया था, जहां सिख संगत ने विशाल गुरुद्वारा बना दिया। जिस दिन 52 हिंदू राजाओं को जहांगीर की कैद से छुड़वाया गया था उस दिन सर्वपित्र अमावस्या का दिन था और राजाओं को छुड़ाने के कारण इस गुरुद्वारे का नाम श्री दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा पड़ा। इसी दिन की याद में सिख संगत द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे भारत भर से सिख संगत सहित सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। यह आयोजन कितना भव्य है और इसकी तैयारियां कितने व्यापक पैमाने पर की जाती हैं, यह हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 दिन लगातार चलने वाले इस आयोजन में गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा कई दिन पहले से तैयारियां आरंभ कर दी जाती हैं। इस आयोजन में भारत के कोने कोने से आए रागी जत्थों व धर्म प्रचारकों द्वारा पहले दिन से ही आमद होने लगती है। यह सिलसिला लगातार 3 दिनों तक जारी रहता है। आयोजन के दौरान रात 8 बजे से ही दीवान सजाया जाता है, जिसमें ये जत्थे सिख इतिहास, गुरुओं की वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब का महत्व व विशेषताएं संगत को समझाते हैं। यह पूरा आयोजन गुरुद्वारे दाता बंदी छोड़ के प्रमुख सेवादार पद्मश्री बाबा सेवा सिंह जी, बाबा प्रीतम सिंह जी,
बाबा लखा सिंह जी, फूलवा गुरुद्वारा अध्यक्ष गुरुचरण सिंह जी, फूलवा गुरुद्वारा प्रमुख निर्मल सिंह जी और बाबा देवेंद्र सिंह जी के निर्देशन व देखरेख में किया जा रहा है। इस आयोजन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों के दुकानदारों सहित स्थानीय दुकानदारों और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं द्वारा बढ़ चढ़कर भागीदारी की जाती है। कई संस्थाओं द्वारा काउंटर लगाकर लंगर, जल सेवा, फल, बच्चों के लिए आइसक्रीम आदि का निःशुल्क वितरण किया जाता है। इसके साथ साथ हेल्थ चेकअप व ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजन के दौरान लगाए गए। इसी कड़ी के अवसर पर 170 लोगों ने विशेष अमृतपान भी किया। गुरुद्वारे पर की गई आकर्षक लाइटिंग लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच रही है। यह मनोहारी दृश्य एक अलग ही रोमांच पैदा करने वाला है। मेले में 1 लाख के लगभग श्रद्धालु शामिल। कृष्ण जी ने पूरी गीता लिख दी है, सारी रचना कर दी है, लेकिन आप ही हर कृष्ण जी हो
आप एक गीता के श्लोक का उच्चारण करके बताओ। तो गुरुजी ने एक गांव में ही एक खजू दूंगा था, दूंगा भी था गया था, उसके ऊपर छड़ी रख के उसने गीता का श्लोक की व्याख्या करवा दी। गुरु हरगोविंद साहब जी को दिखाया हुआ है ग्वालियर किले से बावन राजाओं को वहां से मुक्त करवाते हुए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, की खबरों के लिए देखते रहिए द फेथ ऑफ पब्लिक जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, शुभरात्रि।